बढ़ाएं अपने व्यापार को सागर टीवी न्यूज के साथ। विज्ञापन मात्र 999 रुपए प्रति माह। संपर्क करें 6260933366। मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक महीने की इबादत का फल ईद के रूप में मिला है, जिसको लेकर सागर शहर के लहदरा नाका स्थित ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की, जहां शहर मुफ्ती तारिक अनवर ने हर बार की तरह इस दफा भी नमाज अदा कराई, जहां एक साथ हजारों सिर खुदा के लिए सजदे में झुके। वहीं इसके बाद मुल्क में अमन चैन, शांति और भाईचारे की दुआ की गई, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। इसे मीठी यानी सेवइयों वाली ईद कहा जाता है और सुबह मुंह मीठा करने के बाद लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। एक तरफ से आना और दूसरे रास्ते से वापस जाना ऐसा कहा जाता है। ईदगाह में सुबह जल्दी ही लोग पहुंच गए थे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। खुद कलेक्टर दीपक आर, SDM सपना त्रिपाठी, SP तरुण नायक, एडिशनल SP विक्रम सिंह कुशवाहा समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। गौरतलब है कि बीते 2 साल कोरोना महामारी की वजह से सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ी गई थी, लेकिन इस साल सभी पर्व और त्योहार धूमधाम से मनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में काफी खुशी है। बढ़ाएं अपने व्यापार को सागर टीवी न्यूज के साथ। विज्ञापन मात्र 999 रुपए प्रति माह। संपर्क करें 6260933366।